अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पे, जो कि DHA 2 के अपोजिट रावलपिंडी में लोकेटेड है। और आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ होंडे सोनाटा। सो इसके ऑनर की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। होंडे सोनाटा, इट्स अ 2021 मॉडल, एन अनरजिस्टर्ड कार विथ 2.5 CC पेट्रोल इंजन कैपेसिटी। और इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है 21,000 किलोमीटर्स। और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है, दैट इज़ 99 लाख रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। क्रोम की स्ट्रिप्स इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना रही हैं, और जो हेडलाइट्स की कंडीशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फ्रंट साइड पर प्रोवाइड किए गए हैं 4 पार्किंग सेंसर्स। बैक साइड को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड की गई है, जिसके टॉप के सेक्शन में ब्रेक लाइट्स को इंडिकेट करने के लिए वाइट बार प्रोवाइड की गई है। बैक साइड पे लाइट्स की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इन अ वेरी यूनिक शेप विद द फैसिलिटी ऑफ बैक कैम। और बैक साइड पे भी 4 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। फ्रंट डोर्स में कीलेस एंट्री की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडोज और डोर्स को लॉक अनलॉक करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। साइड मिरर्स को ऑपरेट करने का फीचर अवेलेबल है, विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ सेकंड सीटर साइड का डोर भी अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडो डोर्स को लॉक अनलॉक करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है, विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। मल्टी कलर्स के इंटीरियर के साथ बैक साइड का डोर भी अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडो, इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट अवेलेबल है। सेम फीचर और सेम कंडीशन के साथ बैक साइड का दूसरा डोर भी अवेलेबल है। सो ओवरऑल जो चारों डोर की इनर कंडीशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। फ्रंट दोनों सीट्स में सीट एडजस्टमेंट स्विचेस प्रोवाइड किए गए हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे, एंड हियर इज द की। मल्टी कलर के साथ इसका इंटीरियर अवेलेबल है, जिसमें डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। दोनों एजेस पे स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया विद AC ग्रिल। और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल है एंटरटेनिंग पैनल, विच इज इन टच शेप एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। 2 AC की ग्रिल्स अवेलेबल हैं। हैजर्ड लाइट्स का बटन प्रोवाइड किया गया है। AC का पैनल जो है वो बटन्स और नॉब शेप में अवेलेबल है, विद द फैसिलिटी ऑफ पुश स्टार्ट बटन। ड्राइविंग साइड पर प्रोवाइड की गई है AC की ग्रिल और कुछ फंक्शंस, जिनकी मदद से आप अपनी राइड को कंफर्टेबल बना सकते हैं। स्टेयरिंग इज अवेलेबल विद सम फीचर्स, जिसकी मदद से आप अपनी राइड को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं, विद द फैसिलिटी ऑफ पैडल शिफ्टर्स। सेफ्टी पर्पज के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया है। स्पीडोमीटर की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स स्पीडोमीटर। इट्स अ प्रॉपर डिजिटल पैनल, जिसमें राइट साइड पे 8000 का RPM मीटर प्रोवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड पे 260 किलोमीटर की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है। और इसके मिड के सेक्शन में एक पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशन को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल, विच इज इन टच शेप एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए, सो इट इज़ वेरी वाइड। बहुत ही अनफ स्पेस प्रोवाइड की गई है फ्रंट साइड पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसके पेडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ। फ्रंट सीट्स आर अवेलेबल इन लेदर स्टफ विद 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन दोनों सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स अवेलेबल हैं फॉर चार्जिंग पर्पज। 12 वोल्ट्स की एक एक्स्ट्रा पोर्ट प्रोवाइड की गई है, और ये पोर्शन अवेलेबल है फॉर कैरिंग सेल फोन वॉलेट, जिसके साथ ऑटो ट्रांसमिशन का जो पैनल है वो बटन शेप में प्रोवाइड किया गया है, विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स। और इसी के साथ मौजूद है आर्म रेस्ट, जिसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड में अवेलेबल है मिरर की फैसिलिटी, जिसके साथ मैनुअली लाइट को ऑन ऑफ करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। सेकेंड सीटर साइड पे भी जो शेड है वो भी मिरर की फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, मैनुअली लाइट को ऑन ऑफ करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। इसके मिड में लाइट पैनल प्रोवाइड किया गया है, विच इज इन वर्किंग कंडीशन। पैनोरामिक रूफ की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, और रेयर सनशेड को मैनुअली ऑपरेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गाड़ी की बैक सीट पे, और आपको बताता चलूँ, आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज वेरी वाइड। बहुत ही अनफ स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। आर्मरेस्ट की बैक साइड पे 2 AC की ग्रिल्स अवेलेबल हैं, जिसके बॉटम में मौजूद है USB पोर्ट फॉर चार्जिंग पर्पस। बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए लेदर स्टफ में सीट्स प्रोवाइड की गई हैं विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और इन सीट्स के मिड में पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, विद द फैसिलिटी ऑफ 2 कप होल्डर्स। रूम के मिड पिलर्स में दोनों साइड पे एक एक एयर बैग प्रोवाइड किया गया है फॉर द सेफ्टी पर्पस।
और बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए दोनों साइड्स पे एक एक लाइट पैनल प्रोवाइड किया गया है विच इज इन वर्किंग कंडीशन। ऑब्जर्व करते हैं इसके बूट स्पेस में मौजूद स्टोरेज कैपेसिटी एंड दिस इज द टोटल बूट स्पेस जिसमें लगेज की एक बहुत अनफ क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है और लाइट का पैनल भी प्रोवाइड किया गया है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स लिड। सो व्यूअर्स ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।